कई आसियान देशों को लगातार जब चीन उनके क्षेत्र में घेरने की कोशिश कर रहा है तो भारत उन्हें हथियार देकर मजबूत कर रहा है। हम एक दूसरे के पड़ोसी हैं, ग्लोबल साउथ के साथी सदस्य हैं और विश्व में तेज गति से ग्रो करने वाला क्षेत्र है। हम शांतिप्रिय देश हैं, एक दूसरे की राष्ट्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करते हैं। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज, इंडिया इज सो मच इम्पोर्टेंट। ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है कि आसियान कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, कितनी इमेंस इम्पोर्टेंस देता है इंडिया आसियान से जो रिलेशंस हैं वो कायम रखने पर। अच्छा, इसके अंदर जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है एज यूजुअल, बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया। भारत अपने ईस्ट में देखे, म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, ये वो कंट्रीज हैं जहाँ पे भारतीय जो परंपरा है, भारतीय जो कल्चर है, जो भारतीय जीवन पद्धति है, भारतीय ज्ञान दर्शन है, वो उन समाज पे बहुत बड़ा उनका असर है। इंडिया बड़ी स्मार्टली, एक लफ्ज आपने सुना होगा हेल्दी कंपटीशन, इंडिया बड़ी स्मार्टली बेसिकली हेल्दी कंपटीशन में चला गया है विद चाइना इन विद आसियान कंट्रीज। ये कि भारत जहां भी जाता है ना उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज हैं वो निकल आती हैं, और ये तो आपको पता ही है, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज पाई जाती हैं। तो इस तरीके से वो डायस्पोरा से भी जो वहाँ पर मिले तो काफ़ी इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी कि देखने को मिली चीज़ें। जय हिंद दोस्तों, आपको तो पता ही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लाओस गए, लाओस दौरे पर भारत की आसियान देशों के साथ, आसियान मतलब एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, जिसमें साउथ ईस्ट एशियन नेशन आ जाते हैं आप, जैसे अपने मलेशिया हो गया, सिंगापुर हो गया, ब्रुनेई हो गया, इंडोनेशिया हो गया, ये सारे कंट्रीज आ जाते हैं आसियान देशों के अंदर। चाइना का आसियान देशों के अंदर व्यापारिक पेनिट्रेशन बहुत ज़्यादा है, यानी व्यापार चाइना आसियान देशों के साथ बहुत ज़्यादा करता है, जबकि आसियान देशों के ज़मीन को कब्जा करने की कोशिश भी करता है। सेम विद भारत, जैसे भारत के साथ चाइना का ट्रेड बहुत है और भारत की ही ज़मीन पर चाइना कब्जा करना चाहता है, सेम आसियान देशों के साथ भी है। तो भारत आसियान देशों के साथ अलायंस अपना मजबूत कर रहा है। 10 देशों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत किया, ये आसियान के 10 देश थे, और अब भारत इन 10 देशों के साथ मिलकर ये प्लान बनाएगा कि चाइना से निर्भरता कैसे कम करनी है और आसियान देश चाइना पर डिपेंडेंट ना रह के भारत के साथ ट्रेड अपना बढ़ाएँ और भारत के साथ मित्रतापूर्ण रिश्ते बनाएँ ताकि चाइना को मिलकर काउंटर किया जा सके। 10 ममालिक नरेंद्र मोदी को वेलकम कर रहे हैं। दिस इज इंडिया आसियान फॉर ऑल दीज 10 कंट्रीज, इंडिया इज सो मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है जी, कि उनको इनके साथ एक पूरे का पूरा डायलॉग करना पड़ता है या करना पड़ा है। आपने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन की अगर बात करनी है तो इंडिया इज वर्किंग देयर। अब ये जो आसियान इंडिया कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है, वो कह रहे हैं जी हमारी शेयर्ड वैल्यूज एंड नॉर्म्स हैं। ठीक है जी, के आसियान इंडिया रिलेशंस में, कि जब से ये बना है 1992 में, आई थिंक आसियान इंडिया जो है वो एक समिट, कॉमेमोरेटिव समिट भी हुई थी 2012 में, दिल्ली डिक्लेरेशन है इसके ऊपर, एंड सो ऑन एंड सो। और मज़े की बात यह है कि वो जिधर भी जाते हैं नरेंद्र मोदी साहब, वो कहते हैं कि हमारे तो सिविलाइजेशनल लिंकेजेज हैं, क्रॉस कल्चरल एक्सचेंज है। ठीक है जी, मैरीटाइम रूट्स हमारे एक रहे, क्योंकि इंडिया है ही बड़ा, इंडिया मिडल ईस्ट में जाए तो वो कहता है हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुकात हैं, इंडिया आसियान में किसी मुल्क चला जाए कहता है हमारे आपके साथ सिविलाइजेशनल ताल्लुक है, इंडिया जो है वो यूरोप में नहीं जाके कहता सिविलाइजेशनल ताल्लुकात है, लेकिन सेंट्रल एशिया तक इंडिया जहाँ भी जाता है यही कह रहा है। सो जो प्राइम मिनिस्टर मोदी वहाँ बैठे हुए हैं ना, देर इज़ वन वर्ड फॉर दैट और वन रीज़न, टू कह लेनी चाहिए। ठीक है जी, और वो जारी बात है, जो रीज़न है पहली तो इंडिया इटसेल्फ है, कि इंडिया समझ रहा है कि हमें इस पर काम करना चाहिए आसियान के ऊपर अपनी इकोनॉमी बेहतर करने के लिए। दूसरी चाइना, चाइना जो है वो इंडिया एक बड़े हेल्थी कंपटीशन में चाइना के साथ एंटर हो गया हुआ। ठीक है जी, बड़े हेल्थी कंपटीशन में चाइना के साथ एंटर हो चुका हुआ है। आज इंडिया और जो चाइना जो है वो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ठीक है जी, और ये जिसे वो कहते हैं ना एक बड़ी तादाद में ये ट्रेड बढ़ती जा रही है, कम नहीं हो रही। ठीक है, नरेंद्र मोदी पहुंच गए हैं आसियान के पास और कह रहे हैं कि भाई मैं और आप क्या करने वाले हैं।
ठीक है जी, ठीक है जी। अब नरेंद्र मोदी साहब, मैंने थोड़ी सी लफ्ज इस पर जरा समझिएगा, नरेंद्र मोदी साहब एंड इट कम्स टू ऑल दीज कंट्रीज, ये जो आसियान के जो ममालिक है ना, नरेंद्र मोदी साहब ज्यादातर वो लफ्ज इस्तेमाल करते हैं जो इकोनॉमी बिजनेस के रिलेटेड हों, कॉम्पिटिशन, आर्मी, वॉर, ये तमाम ममालिक इन चीज़ों को नहीं पसंद करते, ये छोटे छोटे मुल्क हैं। अब देखें ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, मलेशिया छोटा सा मुल्क है, इंडोनेशिया है बड़ा मुल्क है, सिंगापुर कितना छोटा सा मुल्क है, थाईलैंड को देख लें, ब्रुनाई को देख लें, वियतनाम को देख लें, लाओ को देख लें, कंबोडिया को देख, छोटे छोटे मुल्क हैं ये सारे के सारे जो मुल्क हैं ना, दे आर ओनली लुकिंग फॉर वन थिंग, बिजनेस कैसे करना है, कारोबार की बात करते हैं ये, ठीक है जी। ये जो एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस है, अब इंडिया क्या कर रहा है कि इंडिया बेसिकली, यही तो इंडिया को हम चीज़ बार बार कहते हैं कि इंडिया सार को डिसफंक्शनल करके अपनी मर्जी से नए इंस्टीट्यूशन बनाना चाह रहा है और उन इंस्टीट्यूशंस को फिर इस्तेमाल करता है अपने इन्फ्लुएंस के लिए। ये चीज़ हम कहते हैं कि इंडिया जो ये जो नेचुरल जो पार्टनरशिप है वो चाहिए होती है, और नेचुरल मतलब खित्ते के जो ममालिक हैं उन्हीं के साथ आपने पार्टनरशिप करनी होती है। अब इंडिया ने क्या किया कि इंडिया, मैंने आपको जैसे मैंने बताया कि एक तो वो अपना पब्लिक वो कर रहा है, चाइना को कम्पीट कर रहा है वहाँ पर, दूसरा इंडिया समझता है कि देर इज़ अ लॉट ऑफ पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है इस खित्ते के अंदर, ठीक है जी। कि आसियान कितना इम्पोर्टेंट है इंडिया के लिए, कितनी इमेंस इम्पोर्टेंस देता है इंडिया आसियान से जो रिलेशंस हैं वो कायम रखने पर। अच्छा, इसके अंदर जब वो वहाँ पर पहुँचे हैं भारत के प्राइम मिनिस्टर, तो उनको रेड कारपेट रिसेप्शन दिया गया है, एज़ यूजुअल बहुत ज़बरदस्त तरीके से उनको वेलकम किया गया, और फिर वहाँ पर एक आप कह सकते हैं कि बुद्धिस्ट जो तरीक़ाकार है रामायण जो है उसको जो अडाप्टेशन है वो एक नए तरीके से वहाँ पर पेश की गई उनके सामने। क्योंकि देखें, ये बात आप याद रखिए कि भारत जहाँ भी जाता है ना, उसके कहीं ना कहीं से जो कल्चरल टाइज हैं वो निकल आती हैं, और ये तो आपको पता ही है, ये जो कल्चरल वैल्यूज़ हैं वो तो बहुत सिमिलर भी हैं, और उनके जो लिटरेचर है और बहुत कुछ इसमें सिमिलैरिटीज़ पाई जाती हैं, तो इस तरीके से वो डायस्पोरा से भी जो वहाँ पर मिले तो काफ़ी इसके अंदर कल्चर और हिस्ट्री जो है उसके ऊपर काफ़ी मैं देख रही थी कि देखने को मिली चीज़ें, रामायण के ऊपर जो है वो भी पता चला कि कैसे नए तरीके से उनके सामने पेश किया गया। अच्छा, अब इसके अंदर जो है वो देखिए, वैसे तो ये 2 डे विजिट है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि दैट विल बी एक ऐसा ये विजिट होगा जिसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगले जो फ्यूचर है यानी नेक्स्ट फ्यू इयर्स कैसे रिलेशंस इंडिया बनाएगा जो आसियान कंट्रीज हैं उनके साथ। अब आपको ये तो पता ही होगा कि जो आसियान कंट्रीज हैं उसमें जो यानी वैसे तो इंडिया के सभी कंट्रीज़ जो हैं उनके साथ बड़े अच्छे रिलेशंस हैं, यानी जब हम ये बात करते हैं ना कि जी तो वो कौन सा कंट्री है उनके साथ रिलेशन नहीं है, बल्कि मैं एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग इसके अंदर देख रही थी, वो मैं आपके सामने भी बताऊंगी कि ये जो इस वक्त वहाँ पर नरेंद्र मोदी साहब पहुँचे हैं ना, तो इतनी इंटरेस्टिंग एक इसका एस्पेक्ट है कि इसमें इंपॉर्टेंट एनिवर्सरीज जो हैं वो भी आ रही हैं इंडिया की दूसरे कंट्रीज़ के साथ, यानी इसमें इंडिया डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद सेवरल कंट्रीज़ इन द रीजन, 75th विद इंडोनेशिया, 75th एनिवर्सरी विद इंडोनेशिया, 75th विद फिलीपींस, 60th विद सिंगापुर एंड 40th विद ब्रुनाई। ये जितने भी कंट्रीज हैं इन सब कंट्रीज के साथ, किसी के साथ जो है वो एनिवर्सरी 75वीं है, किसी के साथ 60 साल हो गए, किसी के साथ मतलब इस तरीके से बता रहे हैं कि ये सब कुछ जो है ये चल रहा है। तो वो जो हम बात करते हैं कि जी रिलेशंस, तो वो तो आपको पता ही है, वो तो अपनी जगह पर बहरहाल मौजूद है। लेकिन दोस्तों, आसियान देश इस समय बहुत तेजी से पूरी दुनिया में आर्थिक तरक्की कर रहे हैं, और आसियान देश में व्यापारिक दृष्टि से अगर हम देखें तो सिंगापुर कितनी छोटा सा कंट्री है, लेकिन पूरी दुनिया के लिए आज व्यापारिक केंद्र बना हुआ है। तो इसी तरीके से आसियान देशों के साथ अगर भारत रिश्ते अपने अच्छे करता है और व्यापारिक दृष्टि से और मजबूत रिश्ते करता है, देखो जो रिश्ते हैं वैसे राजनीतिक और सामाजिक वो तो हैं, लेकिन व्यापारिक रिश्ते अगर भारत मजबूत करता है तो इससे भारत का है भी फायदा, मैसिव फायदा होने वाला है। इस वे में फायदा होने वाला है कि अगर भारत से ये लोग ट्रेड करेंगे तो चाइना से कम करेंगे, चाइना से कम करेंगे तो चाइना को झटका लगेगा, भारत का आर्थिक फायदा होगा, भारत भी चाइना से सामान लेने खरीदने के बजाय आसियान देशों से खरीदेगा। आसियान देश आप अगर समझना चाहें तो इनकी सिमिलैरिटीज भारत के साथ भी मिलती है, चाइना के साथ भी मिलती है। अगर आप इनके चेहरे मोहरे को देखो तो आपको ये लगभग चाइनीज जैसे ही दिखेंगे, बेशक ये अलग है लेकिन चेहरा इनका आप लोगों को चाइनीज की तरह दिखेगा, लेकिन रहन सहन कल्चर आपका भारत की तरह दिखेगा इनको, ठीक है। तो ये एक काफ़ी बड़ी डिफरेंस है।
कल्चर इनका भारतीय है, भारत से मिलता जुलता है, चेहरा इनका चाइनीज से मिलता जुलता है, आसियान देशों की बात कर लो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग कॉम्बिनेशन है। और अगर भारत इनको अपनी तरफ करने में कामयाब रहता है तो एशियन पावर बनने में भारत को देर नहीं लगेगी।